सो लेट्स कंटिन्यू आवर यू नो डिस्कशन. आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स डिस्कस एडवांस क्वेश्चंस टुडे. तो इसका जो पहला क्वेश्चन जो है, ये हम कई बार कर चुके ऑलरेडी, और इसका आंसर रटना है आपको. ठीक है, उसका आंसर है 1 प्लस सेकेंड इंटू कोसेकेंड. तो फर्स्ट आंसर बी. सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस जो है ये हम बाद में करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली. तो व्हाट इज गिवन टू अस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल. ओके, दिस इज अ गुड टाइम टू यू नो रिवाइज दोस यू नो एंगल्स. 15 डिग्री के जो एंगल्स है, आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम. लेट्स जस्ट रिकॉल कि साइन 15 डिग्री होता है रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, विच इज सेम एज कॉस 75 डिग्री. करेक्ट. सिमिलरली कॉस 15 जो है, इट इज रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, विच इज इक्वल टू साइन 75. And the tan 15 is 2 minus root 3, which is cot 75. And tan 75 is 2 plus root 3, which is cot 50. Okay? So we have been asked ki which of the following is rational. First option sin 15 hai. So clearly, wo rational nahi hai. Kyunki isme irrational part hai. Second, cos 15. Ye bhi irrational hai. थर्ड जो है साइन 15 इंटू कॉस 15 है, वो रैशनल है. अच्छा ये देखो, यस रिमेंबर वी कैन डू दिस इन टू डिफरेंट वेज. द मोमेंट यू ऑब्जर्व कि साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, सेम एंगल है, तब तो तुरंत क्या स्ट्राइक होना चाहिए, डबल एंगल. तो क्लियरली ये 2 साइन कॉस इज साइन 2 थीटा, बट साइन 30 इज हाफ, हाफ का हाफ इज 1 बाय 4. तो क्लियरली 4 का आंसर हैज टू बी सी. और आप कोई दूसरा मेथड से भी कर सकते थे क्या? यस, यू कुड हैव आल्सो मल्टीप्लाइड दिस टू, यू हैव स्टिल गॉट रैशनल टर्म, यू नो यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. वी हैव 3 टाइम्स sin x - cos x का पावर 4 प्लस, वो क्या 6 है क्या? 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x. ओके, दिस इज नाइस, दिस कैन बी एक्सक्यूटेड. यू कैन गेट. अच्छा ये देखो, पहली बात इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, इसका कोई टेंशन नहीं है. ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्लियरली, एंड व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर. अच्छा ये देखो, लेट्स डू इट डायरेक्टली ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इजंट दिस व्हाट वी गेट. तो व्हाट अबाउट दिस, ये a माइनस b का पावर 4. एक्चुअली अगर अपना बाइनोमियल हुआ होता तो वी वुड हैव डन दिस, वो अपना 4c2 वाला वो सब कोएफिशिएंट के हिसाब से. लेकिन सिंस वी हैवंट डिस्कस बाइनोमियल थरोली येट, तो इज देयर एनी अदर वे टू एक्सपेंड दिस? पावर 4 है, सो व्हाट कैन बी डन, का स्क्वायर है ना? यस करेक्ट, इसको हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर. माने इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा? अच्छा ये देखो, लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज अगेन इक्वल टू 1, इज इट प्लस, सॉरी इस केस में माइनस 2ab, 2 साइन एक्स इनटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर. राइट, सो दिस इज व्हाट वी गेट.
So let's you know expand this further. Let's see what we can do. If further ये कौन सा form में है a minus b का whole square a square plus इसका square minus 2ab. Let's expand this. 6 plus 12 sin x cos x plus 4 minus 12 sin square x cos square x. ये plus 12 sin square x cos square x ये देखो 4 into 3 12 और यहाँ minus 12 sin square x cos square x gets cancelled और minus 12 sin x cos x plus 12 sin x cos x gets cancelled. 3 ones are 3 plus 6 plus 4. 6 plus 4 10 plus 3 is 13. Option है तो fifth का answer C. Now this wasn't difficult. This wasn't difficult at all. But ये वाला थोड़ा सा tricky था. Power 4 था since we haven't done binomial yet. अगर binomial होता ना, we could have done this easily. Binomial नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या किया? पहले square का square के format में लिखा and then we expanded. 6th is a very very nice question. It is time that we recall this concept. Root 3 cosecant 20 degree minus secant 20 degree. ये हम दो क्वेश्चन किया था इस टाइप के. It's एक 10 degree केस में भी किया था हमने, है ना? अच्छा, what's logic for this? For this question, very simple. पहले sine cos, golden, obviously. Root 3 upon sin 20 degree minus 1 upon cos 20 degree. इसके बाद cross multiplication. तो ये होगा root 3 into cos 20 minus sin 20 upon sin 20 cos 20. अच्छा. Okay. Now this is where you know आपको ना you know, this is where ये जो concept है strike होना चाहिए कि denominator में देखो 2 sin cos वाला फंडा लगेगा, double angle form लगेगा denominator में, isn't it? Sin into cos. तो what are we supposed to do? We are supposed to multiply denominator as well as numerator by 2. And moreover, numerator को ही format में लेगा. Remember, a cos x plus b sin x, या a sin x b cos x, it doesn't matter. ये देखो a cos b sin, in such cases what do we always do? We multiply, divide by root over, yes, that was the tricky part. Remember, whenever we come across this expression a sin plus b cos, remember, or a cos plus b sin, it doesn't matter, we always multiply and divide by root over a square plus b square. ठीक है, ये concept है. So remember यहाँ a root 3 है, isn't it? Here a is root 3 and b is minus 1. Therefore root over a square plus b square is root over 3 plus 1, which is root 4, which is 2. ठीक है? So what are we going to get? 2 into, तो अपने को ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा, राइट? जब 2 से डिवाइड किया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे root 3 by 2 cos 20 minus 1 by 2 sin 20 4 divided by 2 sin cos sin 40. रबर ये ऐसा नंबर्स अलग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग, ये हम डिफरेंशिएशन के वक्त क्या था, रिमेंबर? वो कॉम्बाउंड एंगल वाला साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के वक्त भी क्या था? क्लियरली यहाँ कॉम्बाउंड एंगल फॉर्म में लगेगा. कौन सा? नीचे में साइन है तो हम कोशिश करें कि साइन वाला कॉम्बाउंड एंगल फॉर्म में अप्लाई हो जाए. इसके लिए ये साइन होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो फॉर वॉट एंगल इज साइन 3 बाई 2? 60. तो ये साइन 60 cos 20 minus cos 60 sin 20 upon sin 40. So clearly sin a minus b, which is sin 40 again,
नीचे साइन 40 कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 4. सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आई वुड से. 6 का आल्सो आंसर सी. वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आई वुड से. नेक्स्ट, सो ए साइन इज बी कॉस एक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे. उसमें क्लियरली वी हैव 3 पाई बाय 2 2 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा. सो क्लियरली वी आर लुकिंग एट अलाइड एंगल्स कांसेप्ट, माने ऐड शुगर टू कॉफी कांसेप्ट, इज इट? थ्री टाइम्स साइन रेज टू 4 पी पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस साइन रेज टू 4 पी पाई प्लस अल्फा, और इसके साथ साथ में माइनस 2 टाइम्स प्लस साइन रेज टू 6 5 पाई माइनस अल्फा. I would say not a difficult question at all. Allied angle concept, is it? Okay, so ये 3 times. Let's look at actual to copy concept. ये देखो, ये होता है 0 और ये pi by 2. ये पाई पाई है क्या? नहीं है. ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय 2, 3 पाई है ना. आगे सारे 3 पाई है, 3 पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 है, और 5 पाई भी चाहिए. अच्छा, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ आएगा 4 पाई और यहाँ आएगा 5 पाई. ठीक है, ओके. Now, let's look at this. 3 pi by 2 minus alpha. 3 pi by 2 minus alpha. And which quadrant? Third quadrant. Third quadrant mein sign is negative. Lekin power 4 hai. Uska matlab negative sign ka koi asar nahi padega iska. Now, 3 pi by 2 ka matlab vertical angle. Yahan ratio change hoga. To sign banega. The cos is 2 4 alpha. As simple as such. Plus 3 pi. 3 pi plus alpha. Again, कौन सा quadrant? Third. तो sin negative, लेकिन power 4 है, even power है, तो sin का कोई problem नहीं रहेगा. और 3 pi का मतलब horizontal ratio change नहीं होगा. मैंने it will remain as sin alpha. Minus 2 times pi by 2 plus second quadrant sin positive. और रेशियो चेंज हो जाएगा 90 है, तो ये बनेगा cos रेज़ टू 6 अल्फा प्लस 5 पाई माइनस, फिर से सेकंड पॉजिटिव और रेशियो चेंज नहीं होगा sin रेज़ टू 6 अल्फा. तो ये हमने अलाइड एंगल्स कांसेप्ट माने एट्रिब्यूट टू कॉफी कांसेप्ट अप्लाई किया हमने. नाउ दिस इज फॉर्मेलिटी, इजंट? ये तो हम जानते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स 1 minus 3 sin square alpha cos square alpha. So clearly 3 minus 2 is 1. और शायद से ये minus 6 और ये plus 6 gets cancelled. It's cancelled. 1 आना चाहिए. Sorry. Option B. Third is a typical question. This is something which we have discussed in, probably yesterday's class itself. है ना, कौन सा पाई बाय 8 7 पाई बाय 8 वाला, ये हमने रिसेंटली किया था. ओके, क्या है बेसिकली 1 प्लस cos पाई बाय 8 इनटू 1 प्लस cos 3 पाई बाय 8 इनटू 1 प्लस cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8. What's the idea? कल ही डिस्कस किया था हमने
कि पाई बाय एट और 7 पाई बाय 8 का सम पाई होगा, है ना? ए वन प्लस कॉस पाई बाय एट, सिंस इन दोनों का सम पाई हो रहा है तो कॉस 7 पाई बाय 8 इज माइनस कॉस पाई बाय एट, तो दोनों को साथ में लिख दूंगा तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 हो जाएगा, सही है। सिमिलरली ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 वैसे के वैसे, और इन दोनों का सम 180 हो रहा है, सो क्लियरली कॉस 5 पाई बाय 8 इज माइनस कॉस 3 पाई बाय 8, ओके नाइस। नाउ यू सी ये a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब अपने पास कई मेथड्स हैं, सो मेनी मेथड्स इन विच वी कैन डू, बल्कि इफ वी आर गोना अप्लाई यस्टरडेस मेथड अगेन, रिमेंबर पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम जो है वो हो रहा है पाई बाय 2, इनका सम पाई बाय 2 है, इसका मतलब साइन 3 पाई बाय 8 साइन 3 पाई बाय 8 इज कॉस पाई बाय 8, सही है क्या? क्योंकि अगर a प्लस b 19 होता साइन ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज कॉस ऑफ अदर 90 माइनस थीटा, फिर देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 इनटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन, राइट? तो ये 2 साइन कॉस इज साइन डबल ऑफ दिस एंगल व्हिच इज पाई बाय 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माने 1 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माने हमारा 8 1 बाय 8, तो 8 का आंसर सी। अच्छा, इज देयर एनी अदर वे वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहां अगर आपने कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ मान लो इनका सम 19 हो रहा है करके, तो वी नो वी विल आल्सो अप्लाई स्क्वायर टू डबल एंगल, क्योंकि पाई बाय 8 इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल, पाई बाय 4 इज स्टैंडर्ड एंगल, तो वी वांट एंगल टू बी डबल और परफेक्ट अपने पास स्क्वायर है वो भी कर सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो हमने रिसेंटली किया था एंड आई हैव टू मेमोराइज द रिजल्ट एज 3 बाय 4 टू 1, याद है? ये ए ट्रिपल सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 28, 3 बाय 4 टू 1 इज योर आंसर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू 4 या कॉस साइन स्क्वायर, जो भी अल्टीमेटली ए जो है ये किसके बीच में लाइक करना चाहिए, ए शुड लाइक बिटवीन 3 बाय 4 एंड 1, अच्छा व्हिच इज द राइट ऑप्शन, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि वो है 1 टू 2, ए तो नहीं हो सकता वो है 1 टू 2, बी हो सकता है क्या? अरे हाँ बी तो है, अरे हाँ वहां वो 6 बाय 4 नहीं है, वो 3 बाय 4 है, अच्छा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट 6 बाय 4 इट इज 3 बाय 4, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 10th ही शायद से हुआ है, एचटी सेक्शन में आता है ये क्वेश्चन, है ना? एटीपी का 5th क्वेश्चन, सो tan 4 बाय 3 माइनस sin 4 बाय 5 वो भी प्लस माइनस, तो 10th का आंसर बी। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे, we have been given कि f of cos 4 theta is 2 upon 2 minus secant square theta, sure, if, okay, then he is asking us to find the value of f of 1 by 3, this is a nice question. Any ideas? पहली बात यह है, अच्छा f of 1 by 3 का मतलब
यहाँ इसकी जगह आपने को क्या डालना होगा, 1/3, मतलब वी गोना हैव टू रिप्लेस cos 4 थीटा बाय 1/3, मतलब यहां सिर्फ थीटा है, ये तो 4 थीटा है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है एंगल स्पेस में, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, सो यू नो वी शुड ट्राई टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा आगे जैसे हम कुछ कर सकते हैं, cos है secant है, हां डबल एंगल आ रहा है इज इट, देखो secant square का मिलेंगे 1 by cos square, तो ये हो जाएगा 2 cos square theta minus 1 और ऊपर में cos square theta, सही है? Okay. और हाँ, what is 2 cos square theta minus 1? cos 2 theta, अच्छा, ये 2 cos square theta है, तो ये 1 plus cos 2 theta, सही है क्या? LHS में cos 4 थीटा है, 2 थीटा में ला सकते क्या इसको? हाँ क्यों नहीं, अब क्या क्या रहेगा तुमको, 2 cos square, अब देखो एटलीस्ट हमने यूनिफॉर्मिटी लाया एंगल्स में, यहाँ 4 थीटा था यहाँ थीटा था, तो हमने RHS को कैसे भी करके डबल एंगल में लाया और LHS में जो है उसको भी डबल एंगल में लाया, तो इनडायरेक्टली अगर इसकी जगह अगर हम डालेंगे 1/3 ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माने इनडायरेक्ट आपने नोटिस किया कि वी इक्वेट दिस टू 1/3, उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की जगह ये वैल्यू डालेंगे ऐसा, और इसको आगे से सुना थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 by cos 2 theta, see here, so anyway, he asks us to find f of 1 by 3, and this should be equal to 1 by 3, ये थोड़ा सा यू नो अजीब क्वेश्चन, this is a typical advanced question है ना, समझ में नहीं आता कि क्या करें, अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा है इसका मतलब वो एडवांस लेवल क्वेश्चन है, so anyway, we're going to equate 2 cos square 2 theta minus 1 to 1 by 3, so 2 cos square 2 theta is 1 plus 1 by 3, 4 by 3 माने 2 by 3 होगा, so cos 2 theta is plus minus root 2 by 3, ठीक है, अच्छा, तो ये लेकिन आप देखो प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, then the values of is r, इसमें देखो शायद से अपने पास दो values है cos 2 theta, लेकिन हमेशा वहां इंटरवल भी दे रखा है, इंटरवल क्या है यहां, ही डिड से कि थीटा बिलोंग्स टू व्हिच इंटरवल, 0 टू पाई बाय 4 यूनियन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा शुड बिलोंग टू व्हिच इंटरवल, 0 टू यूनियन पाई 2, सॉरी ये क्या कर रहा हूं, ये पाई बाय, तो ये पाई बाय 2 टू पाई, अच्छा लेट्स सी, सो इफ 2 थीटा लाइज इन फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, इसका मतलब cos 2 थीटा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, इसका मतलब दोनों भी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, अब ये वैल्यूज उठा के यहां डालेंगे, सो देयरफॉर अगर हम इसको 1/3 से इक्वेट किया तो cos 2 थीटा के वैल्यूज ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे और बाहर डाल देंगे, तो 1 प्लस माइनस इसका रेसिप्रोकल, सो √3/2, 1 माइनस √3/2, 1 प्लस √3/2, ऑप्शंस आर बोथ ए एज वेल एज बी, ये वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर है, ओके ओके, व्हाट इफ यू डू अगेन, अच्छा ये आरएचएस वाला तो प्रीटी ऑब्वियस था, इट वाज ऑल अबाउट यू नो एलएचएस एंड देन गेटिंग दिस आइडिया कि इक्वेटिंग दिस टू 1/3, क्योंकि अपने को एफ ऑफ 1/3 चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/3, तो 12th 13th और 14th क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, 12, 13, 14, 15. Let's move on to question number 16 directly. Let's move on to question number 16 and 17. 17 हम कल कर चुके already. And let's look at 16th question. अच्छा अगर 16 का ना आप लोगों को blindly guess करना है answer, आप लोगों के पास time नहीं है. And since this looks like is an integer type question, so there won't be negative marking anywhere.
अगर आपको तुक्का लगाना है इसका आंसर, तो व्हाट वुड योर आंसर बी? 1/8. वेरी गुड, क्योंकि कितने टर्म्स है वहां, तो 1/2 क्यूब. याद है हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और 17 का भी वही फंडा है, कल ही डिस्कस किया था हमने. लेकिन बी केयरफुल, वहां साइन 7π/14 है, दैट इज साइन पाई बाय 2, वो नेग्लिजिबल है क्योंकि 1 है वो. तो बाकी के 6 टर्म है, तो 1/2 रेज़ टू 6 है ना. तो कभी कभी बात अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और तुक्का लगाना, तो यू नो यू कुड गो फॉर दिस. तो एनीवे 16 का आंसर इज 1/8 और 17 का आंसर इज 1/64. अच्छा, 8 का मतलब 2³ 1/8 और ये 2 रेज़ टू 6 1/16. बट एनीवे, बट हाउ, ये 16 क्वेश्चन था 2019 मेंस में आता. केकी वैल्यू निकालनी है जबकि वो है पाई बाय 18, जो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है. 5π/18 और साइन 7π/18. अच्छा, पहली बात, वी यूजुअली ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज के लिए, है ना, यू नो, जस्ट टू मेक श्योर कि यू नो इट्स इजी टू यू नो आइडेंटिफाई. एनीवे, पाई बाय 18 का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 180, 10, इज़न्ट इट? तो k इज बेसिकली sin 10 डिग्री, और ये वाला sin 50, और ये वाला sin 2. स्ट्राइक हुआ होगा, देखो sin मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो जो ट्रिपल एंगल वाला एक फॉर्मूला है, कल रिकॉर्ड किया था हमने शायद, है ना. रिमेंबर व्हाट वाज दैट अगेन? sin थीटा और sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा होता है. ये हो सकता है क्योंकि 3 टर्म है. अगर ये नहीं होता तो फिर कॉस में बदलेंगे, फिर कॉस का कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसमें हो रहा है क्या ये? तो रिमेंबर जनरली थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल जनरली. तो अगर हमने थीटा 10 डिग्री कंसीडर किया, बाकी ये सेट होना चाहिए. हो रहा है क्या? ये थीटा है तो 60 माइनस, हां यस, ये 60 माइनस थीटा और ये वाला 60 प्लस थीटा, इज़न्ट इट? तो एग्जैक्ट फॉर्म में है. सो देयरफॉर k की वैल्यू शुड बी 1/4 sin 3 टाइम्स थीटा, माने 30 डिग्री. तो 1/4 1/2 1/8. ठीक है. अच्छा, एक और यू नो 10 50 70 का ये एक ट्रिपलेट है. एक और ट्रिपलेट था, रिमेंबर 20 व्हाट वाज दैट 40 और 80, है ना, ये एक ट्रिपलेट है. 20, 40, 80, is it? थीटा 20 रहेगा, 60 माइनस 20, 40, 60 प्लस 20, 80. अच्छा, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा ना टैन में, आएगा कैसे? आएगा क्वेश्चन टैन 20, टैन 40, टैन 60 और टैन 80. फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. तो ये तीनों एक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये टैन 60 तो आप जानते हैं, विच इज बेसिकली. ठीक है, so keep these you know triplets in mind, 10 50 70 20 40 and 80. ठीक है, okay, so you know we'll solve in the next lecture, hai na, aur kuch questions hai, we'll try to wind up this in the next lecture, right?